दोस्तों मैं गोविंद माली एक बार फिर आप सभी का लेटेस्ट जानकारी के साथ में मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो आपका जन आधार कार्ड है उससे रिलेटिव दो दुखद खबर निकल कर आ रही है जो आम जनता और कियोस्क धारक के लिए परेशानी बन सकती है। तो वो कौन सी दुखद भरी खबर है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ ही आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको और रोज ऐसी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहे। अब मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में किसी भी योजना से रिलेटिव हो या अन्य किसी भी सर्विस से रिलेटिव हो उसके लिए आपका जन आधार कार्ड होना जरूरी है। यानी कि आपको राजस्थान में किसी भी सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए या आपको किसी भी प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपका जन आधार कार्ड बना हुआ होना जरूरी है। लेकिन आपका जन आधार कार्ड तो बना हुआ है लेकिन उसके बाद भी आपको दो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो वो दो कौन सी समस्या है? तो सबसे पहली समस्या है आपके जन आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होने के कारण। यानी कि जो आपका जन आधार कार्ड है वो बनाया हुआ है लेकिन आपके जन आधार कार्ड में जितने भी मेंबर है उनके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं होने के कारण आपका जो जन आधार कार्ड है वो इनएक्टिव हो सकता है। यानी कि आपके जन आधार कार्ड में जितने भी मेंबर है उनके जो डॉक्यूमेंट है या तो वह आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या राशन कार्ड हो या लाइट बिल हो या गैस डायरी हो, जितने भी घर के डॉक्यूमेंट है वो आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके जन आधार कार्ड में अपलोड हो करवाने जरूरी है। तो आज ही अपने नजदीकी ई मित्र या अपने एसएसओ आईडी से स्वयं अपने जो जितने भी घर के डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर लीजिए। यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना जरूरी है। तो आज की जो ताजा खबर है वो पहली थी आपके जो जन आधार कार्ड है उसमें घर के जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करवाना जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपका जो जन आधार कार्ड है वो इनएक्टिव हो सकता है, आपको सरकारी फायदा नहीं मिल सकता है, आपकी पेंशन बंद हो सकती है, पालनहार बंद हो सकता है, जितना भी सरकारी फायदा है वो बंद हो सकता है। तो आज ही अपने नजदीकी ई मित्र कियोस्क धारक के पास जाकर के आपने आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है करके वो लेकर के आपको अपलोड करवाना जरूरी है। तो दोस्तों ये तो पहली खबर, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी जो खबर है, आपका जो जन आधार कार्ड है उसमें आपके परिवार की घर के जितने भी सदस्य है उनकी आय अपडेट करवाना जरूरी है तभी आपको सरकारी फायदा मिल सकता है। या तो आपको पेंशन से हो या पालनहार से रिलेटिव हो या अन्य किसी भी प्रकार से योजना का फायदा लेना है तो आपके जन आधार कार्ड में आपके जो जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी आय अपडेट करवानी जरूरी है। जो आय अपडेट 4 पेज के आय घोषणा प्रमाण पत्र के रूप में करवाना जरूरी है। यानी कि जो आय घोषणा प्रमाण पत्र है वो 4 पेज का लेना जरूरी है। उसको अच्छे हैंडराइटिंग में भर करके 2 लेक्चरर के साइन करवा करके नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवाने के बाद में आपका जो आय घोषणा प्रमाण पत्र है वो जन आधार कार्ड में अपलोड करवाना जरूरी है तभी आपका जो सरकारी फायदा वो मिल सकेगा। यानी कि आज की दो दुखद भरी खबर थी, यानी कि आपको जन आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की सर्विस का यूज करना है, यानी कि आपको किसी भी जन आधार कार्ड से रिलेटेड सर्विस को आपको अपने काम में लेना है तो आपके जन आधार कार्ड में दो काम करवाना जरूरी है। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना और उसके बाद में आय घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करवाना जरूरी है। तो दोस्तों ऐसी हर रोज लेटेस्ट जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर रोज ऐसी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करना क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज ऐसी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आपको देता रहता हूं। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।